गुड मॉर्निंग एवरीवन। DSR पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में आज फिर से आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग क्लास वन का GK पढ़ेंगे। हमने इसमें फर्स्ट चैप्टर पहले ही वीडियो में पढ़ा दिया है। आइए आज हम इसका दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है एनिमल्स नियर एंड फार। एनिमल्स यानी जानवर, नियर नियर यानी नज़दीक, एंड फार यानी दूर, हमारे नज़दीक और दूर के जानवर। यहाँ दिया है कि सम एनिमल्स लिव नियर अस इन आवर हाउसेज, कुछ जानवर हमारे घरों में हमारे साथ रहते हैं। दे आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स, वैसे जानवरों को हम घरेलू जानवर कहते हैं। सम एनिमल्स लिव फार इन ए जंगल, कुछ जानवर जो होते हैं वो जंगल में रहते हैं। दे आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स, उसको हम लोग जंगली जानवर कहते हैं। इसमें कुछ मीनिंग्स भी हैं जो हम आपको बताते जा रहे हैं, आप उसको अपने कॉपी पर अभी नोट करते जाइएगा। यहाँ दिया है सम, सम मीन्स होता है कुछ, एनिमल्स यानी जानवर, लिव, लिव मीन्स होता है रहना, डोमेस्टिक, डोमेस्टिक मीन्स होता है घरेलू। फिर यहाँ पर देखिए दिया है नेम द फ्लोइंग, नेम द फ्लोइंग निम्नलिखित का नाम बताइए। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसमें आपको उसका आंसर लिखना है। देखिए यहाँ दिया है कि नेम एनी थ्री वाइल्ड एनिमल्स, तीन जंगली जानवरों के नाम लिखने हैं जो जंगल में रहते हैं। तो यहाँ देखिए हमने लिखा है लायन, टाइगर, डियर, ये सब कैसे जानवर हैं, वाइल्ड एनिमल्स हैं। फिर क्वेश्चन टू, नेम एनी थ्री डोमेस्टिक एनिमल्स, तीन घरेलू जानवरों का नाम लिखना है। हमने लिखा है यहाँ पर काउ, डॉग और गोट, ये डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, घरेलू जानवर। फिर यहाँ दिया है कि विच एनिमल इज कॉल्ड द किंग ऑफ द जंगल, किस जानवर को जंगल का राजा कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, लायन, हाँ शेर को जंगल का राजा कहा जाता है। फिर यहाँ दिया है कि विच एनिमल्स गार्ड्स आवर हाउस, कौन सा जानवर जो है, हाँ विच एनिमल्स गार्ड आवर हाउस, हमारे घर की रखवाली कौन सा जानवर करता है। तो उसका आंसर होगा डॉग। फिर यहाँ दिया है नेम द टालेस्ट एनिमल, सबसे लंबे जानवर का नाम लिखिए। तो वहाँ होगा जिराफ, क्या होगा, जिराफ, जी हाँ यहाँ पर देखिए दिखाया भी गया है जिराफ जो है वो सबसे टालेस्ट एनिमल है। फिर यहाँ दिया है नेम द बिगेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड, हाँ नेम द बिगेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड, दुनिया के सबसे बड़े जानवर का नाम, तो होगा एलिफेंट जो हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो ये हमारे GK का चैप्टर टू था जिसका नाम था एनिमल्स नियर एंड फार। तो इसमें जो मैंने मीनिंग्स लिखवाए हैं आप लोग उसको याद कर लीजिएगा और ये पूरा अपने कॉपी पर होमवर्क कर लीजिएगा। हम आशा करते हैं कि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। थैंक्स।